आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आज की हमारी इस वीडियो में हमसे बोला है कि हमें क्लासिफाई करना है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमारी क्या दी हुई है इक्वेशन, 5x-6y+4z=15, 7x+4y-3z=19 एंड 2x+y+z=46। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, AX=B के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से हमारी मैट्रिक्स A क्या बन जाएगी, कोफिशियंट्स लिखेंगे पहले हम, 5-6+4, ये क्या होगा, 7-4-3, और ये हो जाएगा हमारा 2-1-1। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स A आ गई। X मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, X, Y, Z। ठीक है, और हमारी B मैट्रिक्स क्या है, इक्वल टू ये क्या है हमारा, 15, 19 एंड 46। ठीक है, ये अब हमारा AX=B के फॉर्म में आ गया। अब हमसे पूछा है कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो इसके लिए पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A=0 आता है तो हमारा सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर हमारा डिटर्मिनेंट A≠0 आता है तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा A क्या गिवन है, A=, हमें गिवन है 5-6 एंड 4, दिस इज 7-4 एंड -3, ये क्या हमारा 2-1 एंड 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, डिटर्मिनेंट A=5 into 4 - 1 into -3 will be -3, और ये क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, -6 है तो ये क्या होगा, +6, दिस विल बी 7 माइनस, यहाँ पे क्या है, 2 into -3 will be -6, तो दिस विल बी +6। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 4 और दिस विल बी 7-8। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 4+3 will be 7, 7 into 5 will be 35। यहाँ पे क्या है, 6+7 will be 13 एंड 13 into 6 will be 78, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 78। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, 7-8 will be -1 एंड -1 into 4 will be -4, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 78+35 will be 113 -4 will be 109। ठीक है, तो यहाँ से हमारी आगे वैल्यू 109। दैट मीन्स हमारा जो मॉड ऑफ A है वो क्या है, ≠0, तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हमारा सिस्टम क्या आ गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।